दोस्तों, आपने बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप का नाम जरूर सुना होगा। वही मनीष कश्यप जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सरकारी इंजीनियरों की पोल खोलते हुए वायरल हुए थे। आपको बता दें कि मनीष कश्यप हाल ही में जुडिशियल कस्टडी में है। आपको बता दें कि जुडिशियल कस्टडी वह समय होता है जब किसी को नोटिस देने पर वह नहीं पहुंचता और मजिस्ट्रेट अपनी जिम्मेदारी पर किसी को गिरफ्तार कर लेता है और एक निश्चित समय के लिए उससे पूछताछ करता है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप लगा है और साथ ही साथ सेक्शन 53A, सेक्शन 53B, सेक्शन 505, सेक्शन 120 BIPC धारा के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिसके कारण मनीष कश्यप को इस कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जाएगी। देखिए, हाल ही में बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच एक मामला सामने आया था, जिसमें यह सामने आया था कि बिहार के वर्कर तमिलनाडु से वापस आ रहे हैं, जिसका मेन रीजन यह है कि तमिलनाडु के लोग बिहार के वर्करों को पसंद नहीं कर रहे हैं। इसका मेन रीजन यह है कि बिहार के जो निवासी हैं वो तमिलनाडु के निवासियों से कम पैसे में वर्क कर देते हैं, जिससे तमिलनाडु के लोगों को तमिलनाडु में ही नौकरी नहीं मिल पाती, जिसके कारण तमिलनाडु से बिहार के कुछ वर्कर वापस आ रहे थे। अब यह बात कितनी सत्यता है, इसकी किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी प्रमाण नहीं दिया है। पर हाल ही में मनीष कश्यप ने एक ऐसा वीडियो रिलीज किया जिसमें यह पूरा पूरा सच लगा, पर इसकी जब पड़ताल हुई तो पता चला कि यह वीडियो एडिट करके बनाया गया है और यह वीडियो मनीष कश्यप के ही सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीवर किया गया था, जिसके कारण मनीष कश्यप को जुडिशियल कस्टडी में रख लिया गया है। साथ ही साथ एक पोस्ट भी वायरल हुई जिसमें मनीष कश्यप के सरेंडर करने से पहले ही मनीष कश्यप को हथकड़ी में दिखाया गया था और उसके ऊपर लिखा था कि मैं बिहार के लोगों के लिए जेल जा रहा हूँ और मैं लौट के आऊँगा, जिसके कारण मनीष कश्यप के ऊपर फेक न्यूज फैलाने का एक और मामला दर्ज हुआ। वैसे आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।